नमस्कार बच्चों, मैं हूं हरी सर। एक बार फिर मैं आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाए चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, एक्सरसाइज 13.7 क्वेश्चन नंबर 4, और क्या कहता है, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट 9 सेंटीमीटर है, उसकी वॉल्यूम 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। तो देखिए, अब हमने क्वेश्चन 3 में क्या किया था, रेडियस फाइंड की थी, और इस क्वेश्चन में क्या करना है, डायमीटर फाइंड करना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसमें भी हाइट गिवन थी, इसमें भी हाइट गिवन है, और थर्ड क्वेश्चन में भी वॉल्यूम गिवन था और इस क्वेश्चन में भी वॉल्यूम गिवन है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये हाइट है तो यहाँ पर भी ये हाइट गिवन है, और यहाँ पर वॉल्यूम है, और यहाँ पर भी 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। अब इसमें डायमीटर फाइंड करना है, हमने फर्स्ट में रेडियस फाइंड की थी, तो रेडियस तक हम बिल्कुल सेम यू का यूं ही करेंगे, और वी नो दैट द डबल ऑफ रेडियस इज इक्वल डायमीटर। ठीक है, रेडियस को अगर हम डबल कर दें, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो डायमीटर बन जाता है। आइए सबसे पहले इसको करना शुरू करते हैं, यहां पर 4, तो मैं लिख लेता हूं पहले, बिल्कुल यू का यूं लिखना है, हाइट ऑफ कौन, आप चाहे तो राइट सर्कुलर कौन लिख सकते हैं या ऐसे ही लिख लीजिए कौन, तो है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कौन, इक्वल टू 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, करना क्या है, वही तरीका, वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला लिखना है आपको, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, तो आपको आर स्क्वेयर फाइंड आउट करना होगा। आइए इसको लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने लिख लिया, अब क्या करना, पाई को पाई रहने देना। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1/3 और पाई की जगह पाई रख लेते हैं, आर को मैं पीछे ले आता हूँ इधर आगे की तरफ, और एच है आपके 9 इंटू आर स्क्वेयर। ठीक है, इस टाइप से, तो 48 पाई यहाँ पर। ठीक है, आप 3 से इसको डिवाइड कर, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो यहाँ पर आ गया 3 पाई इंटू आर स्क्वेयर इक्वल टू 48 पाई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आर स्क्वेयर फाइंड आउट करना है, और आर स्क्वेयर को लिखेंगे, बाकी नंबर को इधर देखिए, जो मल्टीप्लाई की फॉर्म में है इधर आकर वो डिवाइड की फॉर्म में आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, और पाई से पाई को हम डिवाइड कर देते हैं, 3 से ये 3 1 जा 3 3 6 जा 18, तो आर 16, और यहाँ पर स्क्वेयर था, मैं इधर ले आता हूँ स्क्वेयर रूट, और 16 का स्क्वेयर रूट होता है 4। ठीक है, रेडियस आ गई हमारे पास। अब आपको डायमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, डायमीटर, तो डायमीटर क्या होगा, अगर 2 से हम रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, या 2 से रेडियस को मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बन जाता है, डायमीटर, तो 2 × 4 4 2 जा 8, तो 8 सेंटीमीटर डायमीटर आ गया। तो बच्चों वो देखो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, और ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें, इसमें से सीख कर आप दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं, चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।